Good morning to all. In today's session, we have to see two important topics. First is precautions while marking foundation of residential building. And second topic is precautions while constructing foundation in black cotton soil. Both topics are very, very important. एग्जाम में कम से कम चार से पांच बार ये टॉपिक आया हुआ है, ठीक है, तो अच्छे से देखना. इन यस्टरडे सेशन वी हैव सीन अंडर रिम पाइल फाउंडेशंस एंड मोस्टली 100% योर यूनिट नंबर 2 विल ओवर इन टूडेज सेशन. कल मैं असाइनमेंट आपको लिखने के लिए देने वाली हूँ. कल के लेक्चर में आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों के असाइनमेंट मैं अभी आपको फोटो भेजने के बाद दे देती हूँ. फोटो भेज देती हूँ आपको ग्रुप पे, और असाइनमेंट लिखना है. ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे यूनिट नंबर 3. सो what are the precautions, what you will take precautions while marking foundations of residential buildings. क्या precautions लेंगे residential building के लिए? जब foundation बनाना है तो उसके लिए, जब marking करनी है तो उसके लिए आप क्या क्या precautions लेंगे? So first point is horizontal wooden plank should be straight and have standard साइज. प्लैंक्स, अभी वुडन प्लैंक्स आपको पता है, लकड़ी के तख्ते. हॉरिजॉन्टल वुडन प्लैंक शुड बी स्ट्रेट एंड हैव स्टैंडर्ड साइज. हॉरिजॉन्टल वुडन रेलिंग शुड हैव द सेम लेवल थ्रू आउट एंड लेवल शुड बी फाउंड आइदर बाय लेवल ट्यूब और डंपी लेवल. उसका जो लेवल है वो कैसा होना चाहिए? एकदम स्ट्रेट होना चाहिए. शुड हैव द सेम लेवल, सेम लेवल पे होना चाहिए. थ्रू आउट मतलब जहाँ तक फाउंडेशन बनाना है वहाँ से टॉप टू बॉटम पूरा थ्रू आउट लेवल सेम होना चाहिए. नहीं तो फिर उसको लेवल ट्यूब, नहीं तो डंपी लेवल से क्या करना पड़ेगा, मेजर करके आप वुडन प्लैंक को, हॉरिजॉन्टल वुडन प्लैंक रेलिंग डाल सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑल वर्टिकल वुडन पोस्ट should be firmly fixed into ground with concrete and curing should be done to the concrete work for the period of 7 days before fixing the horizontal railing. आपको पता है अभी वर्टिकल वुडन पोस्ट तो आपने ऑलरेडी फाउंडेशन के लिए डाल दिया ग्राउंड में, ठीक है. अब क्या करना पड़ेगा? कॉन्क्रीटिंग, पीसीसी, प्लेन सीमेंट एंड कॉन्क्रीट. प्लेन सीमेंट एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वुडन पोस्ट, वुडन प्लैंक्स आपने डाल दिया रेलिंग, उसके बाद मार्किंग पहले कर दिया, मार्किंग के बाद आपने वुडन पोस्ट एंड रेलिंग्स और प्लैंक्स भी आपने ग्राउंड पे डाल दिया, फिक्स कर दिया. अब क्या करना है? एस्कावेशन करना है. एस्कावेशन तो हो गया, एस्कावेशन के बाद आपने क्या किया? वुडन प्लैंक्स भी डाल दिया. अब क्या करना है? पीसीसी, कॉन्क्रीट डालेंगे ना, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट डालेंगे, तो उस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योरिंग करना पड़ेगा. क्योरिंग कितने दिन के लिए करेंगे? 7 days, मिनिमम 7 days तो आपको क्योरिंग करना ही पड़ेगा. क्योरिंग करने का मतलब क्या है? कंक्रीट के ऊपर पानी डालना है. पीसीसी तो कर दिया आपने, एस्कावेशन हो गया, पीसीसी कर दिया, कंक्रीटिंग हो गया, अभी उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? 7 days के लिए पानी डालना है, बराबर. बिफोर फिक्सिंग द हॉरिजॉन्टल रेलिंग. ओके, नेक्स्ट इज ऑल कॉलम नंबर्स मार्क ऑन वुडन रेलिंग शुड बी विजिबल. जो भी आपने कॉलम मेंबर्स के लिए वुडन रेलिंग डाले हैं तो उसके लिए जो मार्किंग करेंगे वुडन रेलिंग के ऊपर तो वो विजिबल रखनी है. नेक्स्ट इज जॉइंट्स. जॉइंट्स ऑफ वुडन रेलिंग शुड नॉट बी ओवरलैप्ड बट शुड बी जॉइंट बाय स्मॉल वुडन प्लैंक्स ऑन आइदर साइड ऑफ जॉइंट एंड नेल प्रॉपरली. जो भी आपने वुडन रेलिंग डाले हैं, बराबर, तो जॉइंट्स के थ्रू
ओवरलैप नहीं होना चाहिए, बराबर है? नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर ओवरलैप भी आप कर रहे हैं प्लैंक्स को, रेलिंग को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जॉइंट्स को नेल्स के थ्रू जॉइंट्स में नेल्स डालने पड़ेंगे, प्रॉपरली डालने पड़ेंगे, राइट? लाइम पाउडर शुड बी थ्रोली मिक्स्ड विथ सैंड वाइल प्लॉटिंग द लेआउट ऑन ग्राउंड so that lime powder will not fly away with wind action. Railing should be fixed by the nails of 50 mm in diameter. Any discrepancies or error found at any stage should be immediately brought to the notice of the architect or chief authorities. Periodical checking should be done by measuring distance of each rail from the face marking or origin. Nails of 40 mm in diameter should be used on railing for locating the center of column in frame structure. Nails of 40 mm in diameter should be used on railing for locating the center of column इन फ्रेम स्ट्रक्चर. फ्रेम स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे, फ्रेम पूरा जब फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके कॉलम जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कॉलम के सेंटर में क्या लोकेटिंग करना है, 40 एम एम डायमीटर के नेल्स रेलिंग पे ही लगाना है. कहाँ पे? कॉलम के सेंटर में. जब फ्रेम स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होगा तब हाइट ऑफ रेलिंग शुड बी मिनिमम टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर वाइल plotting the center inside the excavation trenches. Position of nails on horizontal railing should not be distributed till the completion of plinth work. Position of nails on horizontal railing should not be distributed till the completion of plinth work. So these all are precautions while marking foundation of residential building. Now next topic is precautions while constructing foundation in black cotton soil. What you will take precautions while constructing foundation in black cotton soil. So let's start. The black cotton soil has a great affinity of water, affinity for water. It swells excessively when wet and shrinks excessively when dry. This creates a lot of problems for foundation and structure. Black cotton soil is one of type of soil. Black cotton soil के अंदर एक ऐसा गुण है जो जल्दी, मतलब जैसे वाटर में उसको डाला तो जल्दी से फूल जाएगा, और जब ड्राई होगा वो सॉइल के पार्टिकल्स जब ड्राई होंगे तो जल्दी से श्रिंक भी हो जाएंगे. उसमें ये एक गुण है. This creates a lot of problems for foundation and structure. By adopting following precautions, safe building structures can be built in black cotton soil. उसके कारण हमें कुछ precautions लेने हैं जिसके कारण building का जो structure है वो safe बनाना बन सकता. So let's start precautions while constructing foundation in black cotton soil. Limit the loads on the soil to 5.5 tons per meter square. Limit the loads on the soil. जो भी आप loads, जो भी structure का load आ रहा है तो कितना आना चाहिए soil के ऊपर? 5.5 tons per meter square. उसकी एक limitation है.
ये सॉइल की। टेक द फाउंडेशन एट सच डेप्थ्स वेयर क्रैक्स सीज टू एक्सटेंड, उतने ही डेप्थ तक ये ब्लैक कॉटन सॉइल में जब आप पूरा स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए जो आप फाउंडेशन बनाएंगे तो फाउंडेशन का इतना ही डेप्थ होना चाहिए जितना कि क्रैक्स एक्सटेंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्रैक्स एक्सटेंड करने के लिए वो छोड़ देता है, उतना ही आपको फाउंडेशन का डेप्थ बनाना चाहिए। प्रोवाइड रेनफोर्स कॉन्क्रीट टाइज और बैंड्स ऑल अराउंड द मेन वॉल ऑफ बिल्डिंग। इफ द डेप्थ ऑफ ब्लैक कॉटन टाइप ऑफ सॉइल इज लेस अप टू 1.5 meter, द एंटायर सॉइल मे बी रिमूव्ड। ब्रेक द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लैक कॉटन सॉइल एंड मैसनरी। जहाँ से आप फाउंडेशन कर दिया बराबर, फाउंडेशन के बाद जैसे आप मैसनरी बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं आने देना है, ब्लैक कॉटन सॉइल को मैसनरी के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना है। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैक कॉटन सॉइल एक ऐसा है कि डायरेक्टली वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो मैसनरी जब आप बनाएंगे तो डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, उसको कॉन्टैक्ट में आने देना नहीं है। नेक्स्ट प्रिकॉशन इज कंस्ट्रक्शन शुड बी अंडरटेकन ड्यूरिंग ड्राई सीजन, मैसनरी शुड स्टार्ट एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर बिलो ग्राउंड लेवल। मैसनरी जो है वो एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर बिलो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करनी होनी चाहिए। ट्रेंच फॉर मेन वॉल शुड बी डग 40 सेंटीमीटर वाइडर देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन। जो भी आप फाउंडेशन के लिए खड्डा खोदेंगे मेन वॉल्स के लिए, बराबर फाउंडेशन अभी बनाना है तो मेन वॉल्स के लिए जो भी आप खड्डा खोदेंगे, ठीक है, तो उसके लिए 40 सेंटीमीटर विड्थ, 40 सेंटीमीटर की विड्थ का डग बनाना है। 40 सेंटीमीटर का डग बनाना है वाइडर देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन। फॉर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर रैप फाउंडेशन शुड बी प्रोवाइडेड। अंडर रिम पाइल्स आर आइडियल फॉर फाउंडेशन इन ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल में अगर फाउंडेशन करना है तो अंडर रिम पाइल्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी देखा, वो अंडर रिम पाइल्स बहुत ही आइडियल है ये फाउंडेशन बनाने के लिए इन ब्लैक कॉटन सॉइल। सो these all are the precautions while constructing foundation in black cotton soil, and this question is very important। special foundation mein aur kya hai, foundation are provided when the bearing capacity of the soil is low and hard strata is not available on the given site। the most commonly constructed special foundation which effectively compensate for the above main constructing foundation in black cotton soil mentioned drawbacks are mat foundation or rough foundation and under rim piles। ओके, अंडर रिम पाइल्स फाउंडेशन जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा, और मैट और रफ फाउंडेशन ऐसे ब्लैक कॉटन सॉइल में जब भी आपको फाउंडेशन बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें राफ्ट फाउंडेशन और अंडर रिम पाइल्स जो है वो बहुत ही आइडियल है। तो वैसे टाइप के फाउंडेशन आपको डालने चाहिए। तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 2 ख़त्म हो रहा है, और उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है मैं आज आपको दे देती हूँ।
अब नेक्स्ट सेशन में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.